दोस्तों 1,000 रुपए वैसे तो मामूली रकम है, लेकिन अगर आप इसी 1,000 रुपए को बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो अगले कुछ सालों में ही आप 60 से 70 लाख रुपए तक भी बना सकते हो। मैं आपको 1,000 रुपए से लाखों बनाने के बेस्ट तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। वह तरीका जिसकी बदौलत वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग बिलियनर बने, इनकी तरह आप भी बिलियनर बन सकते हो। दोस्तों अगर आप अपने पैसे समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो यकीनन आप इतने पैसे तो जरूर बना सकते हो जिससे आपकी सारी फाइनेंशियल बर्डन दूर हो सकती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए महीने के 1,000 रुपए भी हैं और आप अभी से अपनी 20s से ही आज से ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि अपने पहले 1,000 रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी ही प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के वो तरीके जिसमें सिर्फ 1,000 रुपए से ही शुरू करके आप लाखों के रिटर्न भी हासिल कर सकते हो। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न तभी हासिल कर सकते हो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सारे पैसे हों। लेकिन दोस्तों अगर आप महीने के 1,000 रुपए भी लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न पाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है तो बस समय की। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और जितने लंबे समय के लिए आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि अभी मेरी और आपकी उम्र 20 साल है, आपने इसी उम्र में निफ्टी 50 में हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अगले 30 सालों तक आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे। 30 सालों के लिए यानी कि 360 महीने में आप टोटल 360,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जब आपकी उम्र 50 साल हो चुकी होगी तब आप यह पैसे निकालेंगे तो आपको 360,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 15% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से टोटल 70 लाख रुपए मिलेंगे। याद रखें यह सिर्फ 70 लाख आपको हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर ही मिले हैं। अगर आप आगे चलकर आपकी कमाई बढ़ती है और आपने इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर लिया तब आपको इससे भी काफी ज्यादा पैसे देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आप आसानी से गेन कर सकते हैं। अब दूसरी ओर मैं हूँ जो आपके इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 10 साल बाद यानी कि 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ। मैं निफ्टी 50 में हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ जो आपके द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद हम दोनों की 50 साल की उम्र में आपको 1,000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट के बदले 70 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं मुझे 3,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी सिर्फ 45 लाख रुपए ही मिलेंगे जो आपसे 25 लाख रुपए कम होंगे। दोस्तों आपने 30 साल में 360,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए और 70 लाख रुपए कमा लिए। वहीं मैं आपसे 3 गुना ज्यादा अमाउंट यानी 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी आपसे 25 लाख रुपए कम बना सका। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है समय। समय ही वह सबसे बड़ा फैक्टर है जो यह डिसाइड करता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जितनी कम उम्र में शुरू करते हो आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप अपने 1,000 रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट करो। दोस्तों देखिए आज के जमाने में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपकी जगह अपनी 20s में होता तो मुझे मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो मैं सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स में SIP करता। यह तो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि यह इंडेक्स फंड और SIP क्या होता है। आइए इसे बहुत ही आराम से समझते हैं। इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का टाइप है। दोस्तों नए और एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड को सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें जोखिम काफी कम होता है और यह किफायती भी होता है। इंडेक्स फंड वह है जिसके मुताबिक लॉन्ग टर्म में मार्केट किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्मेंस कर सकती है। इस इन्वेस्टमेंट में कुछ समय तक आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद के सालों में जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा एंड इवेंचुअली अमाउंट के तौर पर आपको बहुत बड़ा अमाउंट प्राप्त होगा। अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप SIP से शुरू कर सकते हो। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि आपको अपने बजट के हिसाब से वो अमाउंट सिलेक्ट करना होता है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक बार SIP शुरू हो जाने के बाद
बैंक हर महीने आपके अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट डिटेक्ट करके आपके द्वारा चुने गए फंड में इसे इन्वेस्ट करता रहेगा। आप अपना SIP डेली, वीकली एंड मंथली या फिर क्वार्टरली के हिसाब से भी शुरू कर सकते हो। आप अपने SIP की शुरुआत 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से भी शुरू कर सकते हो। जब तक आपकी इनकम कंटिन्यू है तब तक आप भी SIP कंटिन्यू कर सकते हो, और जब आपके पास पैसों की कमी हो तब आप SIP रोक भी सकते हो या फिर पूरी तरह से बंद भी कर सकते हो। इस फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद भी बहुत सारे लोग SIP शुरू करने से डरते हैं। वह सोचते हैं कि अगर किसी महीने का पैसा वह इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो फिर आखिर क्या होगा, कहीं उनकी SIP तो फेल नहीं हो जाएगी या फिर कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, तो फिर कहीं उनका सारा इन्वेस्टेड अमाउंट डूब ना जाए। दोस्तों, यह SIP है किसी बैंक का EMI लोन नहीं जो आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ जाए या फिर आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशियंट फंड नहीं होगा तो फिर आपका SIP पेमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन इस फेल पेमेंट की वजह से आपके ऊपर ना तो पेनल्टी लगाई जाएगी और ना ही इसका असर आपके SIP पर पड़ेगा। हाँ, आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस रिजेक्शन के लिए कुछ फीस वसूल सकता है। अगर आपने अपना पेमेंट मिस किया तो आपको फिर नेक्स्ट ड्यू डेट से पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे। इस बार दोनों महीने के पैसे एक बार में ही कट जाएंगे और आपका SIP सिस्टमैटिकली चलता रहेगा। यह बात आपको याद रखना है कि अगर लगातार 4 महीने तक आपका SIP पेमेंट फेल हुआ तो फिर आपकी SIP कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए 4 महीने बहुत अच्छा समय है जो कि सफिशिएंट है। इन 4 महीनों के अंदर अगर आप फाइनेंशियली रिकवर कर सकते हो तो आप अपना SIP भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप SIP कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं है तो इसको आप कुछ समय के लिए पॉज भी कर सकते हो, बाद में आप जब चाहो इसको शुरू भी करवा सकते हो। अगर आप SIP पूरी तरह से बंद करना चाहते हो तो आप SIP बंद करके पूरी तरह से पैसे वापस भी हासिल कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो SIP शुरू तो कर लेते हैं लेकिन वह इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह नुकसान में जा रहे हैं और उनका पैसा डूब रहा है। मार्केटिंग टर्म में इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। इस सिचुएशन में लोगों के इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे कम होने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है। अब अपना पैसा कहीं और ज्यादा डूब ना जाए ऐसा सोचकर बहुत से लोग थोड़ा सा ही नुकसान होने पर अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं। अब जब वह अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं तब उन्हें असल नुकसान होता है, क्योंकि उससे पहले तो उन्हें जो नुकसान दिख रहा था वो बस पेपर लॉस ही था, और मुमकिन था कि आने वाले कुछ सालों में ही वो पैसे बढ़ सकते थे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अक्सर ऐसा देखा भी जा सकता है, शुरू के कुछ सालों में आपको नुकसान दिख सकता है लेकिन अगर आपने सब्र से काम लिया तो फिर वही पैसे आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न दिलाएंगे। पेपर लॉस होने के बावजूद जिन्होंने अपना SIP कंटिन्यू रखा वो बाद के सालों में प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग पेपर लॉस देख कर ही अपने पैसे निकाल लेते हैं उन्हें रियल लॉस हो जाता है, न सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर बल्कि बाद के सालों में जो पोटेंशियल प्रॉफिट होने वाला था वो उसे भी हाथ धो बैठते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉलेटिलिटी ही वह सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब भी वह किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वह अज्यूम कर लेते हैं कि अब मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद हो चुका है। वॉरेन बफेट के इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है, इसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से तुरंत बाद ही क्लोज मॉनिटरिंग करने लगते हो और जरा भी नुकसान देखने पर ही घबरा जाते हो तो फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है, आप में बिल्कुल भी सब्र ही नहीं है। एक बार आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको सब्र से काम लेना चाहिए। थोड़े बहुत नुकसान होने पर भी आपको SIP कंटिन्यू रखना चाहिए और फिर देखना एक दिन आपके पास मोटी रकम आ जाएगी। हाई रिटर्न्स पाने के लिए SIP कितना इफेक्टिव है या मैं आपको इस कैलकुलेशन के जरिए बताना चाहूँगा। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था। अब उनकी उम्र 93 साल हो चुकी है और फिलहाल उनकी नेटवर्क लगभग $122 बिलियन है। अब मान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल की उम्र से ही आपने हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। आप 71 साल तक यह SIP कंटिन्यू रखोगे। अब दोस्तों 71 साल बाद आपकी उम्र होगी 91 साल। इतने सालों में आप 15% के इंटरेस्ट रेट पर टोटल 852,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे,
एंड दोस्तों आपको पता है कि इतने इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आपको मिलेगा लगभग 319 करोड़ 91 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 71 सालों तक SIP कंटिन्यू रख पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अगर 30 से 40 साल के लिए भी SIP कंटिन्यू करते हो तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना अधिक रिटर्न चाहिए, आपको उतना ही जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करनी होगी। दोस्तों मैंने ऐसे एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा समय और सब्र रख सके। दोस्तों अगर आपके पास या दोनों चीजें हैं तो फिर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज से ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।